तो कैसर अभी हम पहुंचने वाले मेरे घर पे, और कैसर मैं आपको ऐसी चीज खतरनाक दिखाने वाला हूँ, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, आपने ऐसी चीज कभी भी नहीं देखी होगी। चलो फटाफट से अभी हम घर पे आ गए। और ये रे अंकल, अंकल काम हो गया क्या? हाँ भैया आपका सारा काम हो चुका है, बस यहाँ पर साइन कर दीजिए। हाँ दे दो, फटाफट से साइन कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर, एंजॉय करें। हाँ हाँ हम बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो कैसर मैं उन अंकल को एंजॉय करने की बात इसलिए कह रहा था क्योंकि हमने अपने घर पे लगवा लिए स्लाइड्स। तो आप देख सकते हो हमने खतरनाक खतरनाक दो दो स्लाइड्स लगवा लिए अपने घर पे, जो कि जाती है हमारे सीधा पूल में। तो आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा मस्त लग रहा है, अब तो यार बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ऊपर जाके हम स्लाइड पे नीचे आएंगे तो सीधा आके हम स्विमिंग पूल के अंदर गिरेंगे और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अबे शिनचैन, अरे ये शिनचैन सो रहा है। शिनचैन, ओ शिनचैन उठ जा। अरे बेकी बे क्या हो गया? अबे शिनचैन जल्दी देख स्लाइड्स बन गई। अरे बेकी बे किसकी बात बन गई? अरे किसी की बात नहीं बनी है, यहाँ पर स्लाइड बन चुकी है, जल्दी आ जा, अपनी वाटर स्लाइड्स बिल्कुल तैयार है। अरे बेकी बे ये कब हुआ? ये तो बहुत ही जल्दी बन गई। हाँ शिनचैन ये तो बहुत ही जल्दी बन चुकी है। अरे बेकी बे चलो ना स्लाइड में चलते। अरे हाँ शिनचैन रुक जा, स्लाइड पे चलते हैं, उससे पहले फटाफट से कपड़े चेंज कर लेता हूँ। तो गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं स्लाइड में। आ जा शिनचैन जल्दी। अरे बेकी बे मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। अरे शिनचैन इसमें डरने का क्या है, तो गाइस बहुत ही मजा आने वाला है, हम जाने वाले हैं स्लाइड पे, चलो। ओ भाई साहब मैं तो पूरा फिसलते हुए जा रहा हूं, लग गई। अभी हम जाने वाले हैं नीचे, मैं बहुत ही ज्यादा स्पीड में जा रहा हूं। अरे ये क्या हो गया? अरे गाइस मैंने तो स्विमिंग पूल ही मिस कर दिया और मैं तो छत पे आके गिर गया, बहुत ही ज्यादा तेज लगी। रुक जाओ यहाँ से पानी में चलते हैं। और गाइस हम आखिरकार पानी में आ गए, ये स्लाइड तो बहुत ही ज्यादा तेज थी, मैं सीधा घर के ऊपर चला गया। शिनचैन जल्दी आ जा। अरे फेकी भैया, अरे मुझे बचाओ। अरे फेकी भैया मैं आ गया। अरे कैसर शिनचैन ने भी डाइव मार ली। अरे फेकी भैया ये तो बहुत ही खतरनाक है, ये स्लाइड तो बहुत मजेदार है। हाँ शिनचैन ये तो सही में बहुत ही अच्छी है। रुक जा शिनचैन, पिछली बार तो मैं अपने घर की छत पे चला गया था, इस बार पक्का मैं पानी में जाऊंगा। चलो कैसर फटाफट से चलते हैं, इस बार हम पक्का पानी में जाएंगे। मैं को बचाओ, मैं फिर से जा रहा हूँ। अरे ये क्या हो गया? अरे ये कहाँ गिर गया? अरे फेकी मैं अब तो फिर से पानी में नहीं गिरी। अरे ये क्या हो रहा है, मैं पानी में क्यों नहीं जा रहा? रुक जाओ मैं फिर से जाऊंगा। मुझे बचाओ। अरे ये क्या, मैं तो फिर से छत पे आ गया। मुझे बचाओ, इस बार तो पक्का पानी में जाऊंगा। अरे ये क्या, इस बार तो मैं यहाँ पर अटक गया, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ पानी में। शिनचैन मैं आ गया। अरे फेकी मैं अब आखिरकार पानी में आएंगे, ये तो बहुत ही खतरनाक था। अरे हाँ शिनचैन सही में बहुत ही खतरनाक है। अब हम जाने वाले ज़िगज़ैग वाली राइड में। ओ ये क्या हो रहा है, ये राइड तो बहुत ही ज्यादा गोल गोल घुमा रही है। मुझे कोई तो बचाओ। अरे मुझे बचाओ, कहाँ जा रहा हूँ मैं, गोल गोल रानी, कितना कितना पानी, ये तो बहुत ही खतरनाक है। अरे कब खत्म होगा, कब तक? अरे मैं कभी भी पानी में क्यों नहीं लैंड होता हूँ, अब मैं जमीन पर लैंड हो गया, कोई बात नहीं, सीधा पूल में कूद जाते। आजा शिनचैन ये तो बहुत ही खतरनाक है। अरे बेकी बे आज तो बहुत ही मजा आ रहा है। हाँ शिनचैन बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, तो गाइजर ये तो बहुत ही खतरनाक है, और अब तो हम पूरे साल यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। वैसे हमेशा मेयर वाटर पार्क का वेट करना पड़ता था, पर हम पूरे साल अपने घर पर ही वाटर पार्क बनाएंगे। मेडे मेडे हमारी मदद करो, प्लेन क्रैश होने वाला है, मदद करो, जल्दी मदद करो। ये क्या, हमारा तो प्लेन क्रैश होने वाला है, बुडू। अरे बेकी बे ये क्या हो गया? A few moments later. अरे मुझे इस लड़के को उठाना पड़ेगा। ए लड़की, अरे लड़की उठ जा, ए काले लड़के जल्दी उठ जा, तेरे घर पर प्लेन क्रैश हो गया। अबे काले लड़के उठ जा, लगता है मुझे इसको गाना सुनना पड़ेगा। काले लड़के उठ गया। मैं कहाँ पे हूँ, तू कौन हो, मैं कहाँ पे हूँ? अरे लड़के तुम अपने घर पर हो। मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे क्या हुआ था? बच्चे तुम बेहोश हो गए थे क्योंकि तुम्हारे घर पर प्लेन क्रैश हुआ था। क्या प्लेन क्रैश? अबे ये कैसे हो गया, ये कहाँ से हो गया? बच्चे लॉस सैंटोस की हवाओं में एक प्लेन उड़ रहा था, उस प्लेन में कुछ दिक्कत होने के कारण वो प्लेन तुम्हारे घर पर क्रैश हो गया, उसके बाद हमें तुम यहाँ पर बेहोश हुए पड़े मिले। अच्छा है तुम जिंदा हो। अरे मैं तो जिंदा हूँ, पर ये सब हुआ कैसे? अरे कैसे, ये कब हुआ, ये प्लेन यहाँ पर कैसे आ गया, ये कैसे हो सकता है? मैं तो स्विमिंग पूल में आराम से मजे कर रहा था और यहाँ पर पूरा प्लेन क्रैश हो गया है। और एक कैसर आप देख सकते हो, हमारा घर की तो पूरी धज्जियां उड़ चुकी है, हमारा पूरा घर में प्लेन आ चुका है, ये सब कैसे हो गया? शिनचैन और मैं आराम से पूल में मजे कर रहे थे। एक सेकंड, शिनचैन से ज्यादा शिनचैन कहाँ पे? शिनचैन शिनचैन, अरे बेकी बचाओ, बेकी भैया शिनचैन कहाँ पे? शिनचैन शिनचैन
शेन कहाँ पर है तू? मैं तुझे बचा लूंगा। एरीफेकी मैं ऊपर, ऊपर। क्या? ऊपर? शेन कहाँ पर है तू? एरीफेकी मैं ये रहा, मैं ऊपर। अरे मिल गया शेन, मिल गया। अबे शेन तू उधर ऊपर क्या कर रहा है? एरीफेकी मैं प्लेन क्रैश हो गया, जैसे पानी में गिरा मैं उड़ते हुए चला गया इधर। अरे काइजर ये क्या हो गया? हमारे पड़ोसी का तो पूरा का पूरा घर टूट चुका है, आप देख सकते हो। शेन जल्दी नीचे आ जा। एरीफेकी मैं ये क्या हो गया? अरे शेन देख तो सही, हमारा घर पूरा का पूरा तबाह हो गया। ये प्लेन कहाँ से आ गया हमारे घर में? आप देख सकते हो पूरा का पूरा जमीन के अंदर घुस चुका है। अरे अंकल वीडियो क्या बना रहे हो? हमारे घर की हालत पूरी की पूरी खराब हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। गाइस आप देख सकते हो पूरा का पूरा स्विमिंग पूल भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। और एक सेकंड, मेरी वाटर स्लाइड्स कहाँ चली गई? अरे अभी अभी तो लगाई थी। अरे कहाँ चली गई? लगता है ब्लास्ट में मेरी पूरी की पूरी वाटर स्लाइड टूट चुकी है। अरे सर हमारी बात सुनिए, हम आपकी मदद करेंगे इस पूरे घर को वापस से बनाने के लिए। क्या पूरे घर को वापस से बनाओगे? थैंक यू अंकल, जल्दी से कर दो। अरे सर रुकिए रुकिए, हम ये काम फ्री में नहीं करने वाले। ये जो प्लेन पड़ा है इसको तो मटा देंगे, पर जो आपका पूरा का पूरा घर टूटा है उसको जोड़ने के पैसे लगेंगे। क्या पैसे? अरे मेरे से क्यों पैसे मांग रहे हो? मैंने तो ना प्लेन क्रैश किया, जिसने ये प्लेन क्रैश किया उससे पैसे मांगो। सर हम उनसे पैसे नहीं मांग सकते। अरे क्यों नहीं मांग सकते? कौन है वो? उसको बुलाओ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे पूरे के पूरे घर की ऐसी तैसी कर दी और पैसे भी नहीं देखा। अरे सर हमारी बात समझिए, हम नहीं मांग सकते उनसे पैसे। अरे क्यों नहीं मांग सकते? अरे सर क्योंकि वो प्लेन क्रैश में मर चुके हैं। क्या मर गए? सर वही प्लेन चला रहे थे और वही प्लेन क्रैश में मर गए। अरे तो मैं क्या करूँ? मैं तो ना पैसे दूंगा, मैंने तो ना किया है। सर घर तो आपका ही है, अगर आपको ठीक करवाना है तो पैसे तो देने पड़ेंगे। अच्छा कितने पैसे देने पड़ेंगे? सर पूरा का पूरा डैमेज देखने के बाद हमें लग रहा है ये हम 5 मिलियन में सब का सब कम्प्लीट कर देंगे। क्या $5 मिलियन? हाँ सर। एक सेकेंड, आपका बहुत ही भारी नुकसान हुआ है इसलिए हम आपको डिस्काउंट देंगे। हाँ डिस्काउंट दो। आपके लिए $4.5 मिलियन। क्या $4.5 मिलियन? अरे काइजर ये लोग तो बिल्कुल पागल हो गए। ये प्लेन क्रैश मैंने किया भी नहीं है, फिर भी मेरे से $4.5 मिलियन मांग रहे हैं। अरे इनको क्या लगता है मैं जेब में लेके घूमता हूँ 4.5 मिलियन? ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। अरे काइजर हमारे पूरे के पूरे घर की हालत खराब हो चुकी है और बाहर भी आप देख सकते हो पूरी की पूरी हालत खराब हो चुकी है। पुलिस, फायर ब्रिगेड, पता नहीं कौन कौन यहाँ पर आ चुका है। ओ मेरी गाड़ी सलामत, चलो कुछ तो बच गया। तो काइजर अभी आप देख सकते हो हमारे पूरे के पूरे घर का नजारा, पूरा घर हमारा टूट चुका है। ये क्या हो गया मेरे घर के साथ? अब मुझे अपने घर को ठीक करवाना है तो पैसे तो देने पड़ेंगे ही, $5 मिलियन। अंकल मैं तैयार हूँ 5 मिलियन देने के लिए, आप काम शुरू करो, मैं 5 मिलियन लेके आता हूँ। अरे सर मेरी बात सुनिए, हमारी ये नई पॉलिसी है, आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे फिर हम काम शुरू करेंगे। अरे ये कौन सी पॉलिसी है? पहले काम शुरू करो फिर पैसे दूंगा ना। नहीं नहीं सर, पहले पैसे फिर काम। अरे ऐसे तो ना होता है, मेरे पास 5 मिलियन पड़े तो नहीं। तो सर फिर हम आपका घर ठीक नहीं कर सकते, सॉरी सर। अरे रुको रुको मुझे देखने दो, मेरे पास कितने पैसे पड़े? यहाँ पे 10 रुपए पड़े और 20-30 रुपए इधर से भी कहीं मिल जाएंगे और मेरे कपड़ों में से भी 30-40 रुपए तो मिल ही जाएंगे। तो मुझे अभी यहाँ पे 70 रुपए मिल चुके हैं। अंकल अंकल मेरे पास तो सिर्फ 70 रुपए। सर 70 रुपए में कुछ नहीं होगा, 4.5 मिलियन लगेंगे। अच्छा ठीक है आप रुको मैं लेके आता हूँ। तो सर हमें $4.5 मिलियन इनको देने पड़ेंगे तभी सब का सब यहाँ से हटेगा। रुको सबसे पहले कपड़े पहन लेते हैं। तो काइजर अभी मेरे कपड़े तो यहाँ पर चेंज कर लिए, पर मैं करूँ क्या? इनको $4.5 मिलियन कहाँ से लाके दूंगा? लगभग $5 मिलियन मुझे इनको देने पड़ेंगे अगर मुझे अपने घर को ठीक करवाना है तो। और काइजर हमें करवाना तो पड़ेगा ही क्योंकि हमारा घर है, हमें यहाँ पे रहना होता है, इसलिए 5 मिलियन तो लाने पड़ेंगे। चलो देखते हैं कहाँ से मिलेंगे 5 मिलियन। शिनचैन आ, शिनचैन हम 5 मिलियन कहाँ से लाएंगे? अरे शिनचैन मुझे तो नहीं पता कहाँ से लाएंगे, पर कहीं ना कहीं से तो लाने पड़ेंगे। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं, हमें जुगाड़ करना पड़ेगा $5 मिलियन का अपने घर को ठीक करवाने के लिए। जब हम 5 मिलियन ला रहे हैं तो क्यों ना 10 मिलियन ले, फिर अपने घर को अपग्रेड भी करवा देंगे। अबे शिनचैन यहाँ पर मुझे 5 मिलियन तो मिल नहीं रहे, तू चाहता है मैं 10 मिलियन लाके अपने घर को अपग्रेड करवाऊं? तो गाइस अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो $5 मिलियन जमा करने के लिए तो फटाफट से थोड़े थोड़े पैसे दान दे दो कमेंट सेक्शन में। अगर आप कमेंट में लिखोगे $100 तो मेरे बैंक अकाउंट में 100
डॉलर ऐड हो जाएंगे, तो फटाफट से कमेंट कर दो बहुत सारे डॉलर्स ताकि हमें थोड़ी सी मदद हो जाए। गाइस वैसे तो मैं अभी सिर्फ 5 मिलियन ढूंढने, अगर मुझे 5 मिलियन से ज्यादा मिलते हैं तो अपने घर को भी अपग्रेड करवा देंगे। बहुत टाइम से हम एक ही नॉर्मल से घर में रह रहे हैं, हम अपने घर को भी अपग्रेड करा पाएंगे अगर हमें 5 मिलियन से ज्यादा मिलते हैं। चलो फटाफट से चलते हैं। तो गाइस मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे, शिनचैन मुझे पता नहीं कहां पर लेके जा रहा है, ये बोल रहा है कि हमारा काम हो जाएगा। अबे शिनचैन कहां लेके जा रहा है बोल तो सही। अरे बेकी बे इधर मुड़ा लो बस, चुपचाप से गाड़ी रोक दो। अबे शिनचैन ये बैंक में क्यों ले आया? अरे बेकी बे मैंने तो बहुत सारे तरीके सोचे, मुझे तो बस एक ही तरीका समझ आ रहा है, चोरी करने का। क्या चोरी? अबे शिनचैन देखो पता है ना पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, अगर कोई भी चोरी करते हैं पकड़ा जाता है तो कम से कम 20-30 साल के लिए जेल में डालते हैं। अरे बेकी बे तो जब होगा ना जब हम पकड़े जाएंगे, हम तो पकड़े ही नहीं जाएंगे। अबे क्या बोल रहा है, कैसे पकड़े नहीं जाएंगे? अरे बेकी बे पहले चोरी करके आते फिर गाड़ी मुझे दे देना, फिर मैं बताऊंगा। अबे शिनचैन पक्का ना? अरे बेकी बे टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है शिनचैन बोलता है तो कर ही लेते हैं। तो गाइस अभी हम बिल्कुल तैयार है यहाँ पर चोरी करने के लिए। सबसे पहले तो हमें सिक्योरिटी गार्ड को मारना पड़ेगा, इसको फटाफट से मारते हैं। चुपचाप सबके सब नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ वरना गोली मार देंगे। शिनचैन तू उधर देख मैं आगे जाता हूँ। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं, ये सारे बैंक वालों को मारते हैं वरना ये अलार्म बजाएगी, पुलिस को जल्दी बुला देंगे। चलो गाइस फटाफट से हमें यहाँ पे हैक करना पड़ेगा, इसको फटाफट से हैक करते हैं। तो गाइस अभी हमें यहाँ पे ये फिंगरप्रिंट मैच करना है, तो फटाफट से फिंगरप्रिंट को मैच करते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अगर हम ये फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर पाए तो यहाँ पे अलार्म बज जाएगा और पुलिस बहुत ही तेज दौड़े दौड़े आने वाली है, तो हमें इसको बिल्कुल ढंग से करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 इसको भी करते फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये फटाफट से लास्ट में करते हैं। और गाइस सक्सेसफुल हो गया, ये मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा था पर हमने यहाँ पे इसको कम्प्लीट कर दिया। चलो फटाफट से चलते हैं, मजे आ गए। हमारा लॉकर कहाँ पर है? यहाँ पे कोई सिक्योरिटी वाला तो नहीं है? नहीं यहाँ पर कोई नहीं है। चलो फटाफट से, ओ कितना सारा गोल्ड और कैश पड़ा है। अरे गाइस यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा पैसा है, चलो 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 सारा का सारा पैसा लेके चलेंगे। याद रखना हमें 5 मिलियन अपने घर को ठीक करवाने के लिए चाहिए और ऊपर से 10-15 मिलियन अपने घर को अपग्रेड करवाने के लिए। और गाइस मेरे पास ऑलरेडी 6.4 मिलियन डॉलर्स हो चुके हैं, तो हमारा घर तो ठीक हो चुका है, अब घर को अपग्रेड करवाते हैं ये सारा का सारा गोल्ड लेके। 10 मिलियन 12 मिलियन 14 मिलियन, हमारा घर तो सही में बहुत ही खतरनाक होने वाला है। अगर पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो सारा का सारा प्लान फेल हो जाएगा। पर गाइस आप देख सकते हो 20 मिलियन हो चुके हैं हमारे पास, आते जाओ सारे पैसे आते जाओ, कौन मना करता है इतने पैसों को, मैं तो एक डॉलर भी नहीं छोड़ने वाला। अभी हमारे पास 24,09,00,000 हो चुके हैं, अब बारी है और भी गोल्ड की। गाइसर मैं तो रुकने नहीं वाला, इस बैंक को पूरा का पूरा लूटने वाला, क्योंकि गाइसर इतना ज्यादा मुझे इस बैंक को लूटना है कि मुझे जिंदगी भर कुछ काम ना करना पड़े। अभी मेरे पास 36 मिलियन डॉलर्स हो चुके हैं और अभी भी यहाँ पे बहुत सारा पैसा बचा है। गाइसर हमें तो सिर्फ 5 मिलियन चाहिए थे पर यहाँ पे मेरे 40 मिलियन डॉलर्स मिल चुके हैं, तो मतलब मैं अपने घर को पूरा एक महल बना सकता हूँ, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलो चलो आते जाओ 43 मिलियन डॉलर्स, और ये आखिरी गोल्ड बचा है इसको भी लूट लेते हैं। आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ 50 मिलियन डॉलर्स कंप्लीट हो गए। तो गाइस हमारे पास 50 मिलियन डॉलर हो गए और 55 मिलियन, चलो यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस हमने इस बैंक से चुरा लिए 55 मिलियन डॉलर्स, हमें सिर्फ 5 मिलियन चाहिए थे, ऊपर से 50 मिलियन पता नहीं कैसे मिल गए, पर कोई बात नहीं मुझे चलेगा, मैं ये 50 मिलियन से बहुत मजे कर सकता हूँ। चलो गाइस यहाँ से निकलते बराबर से। एनी पे की मैं जल्दी से पीछे बैठ जाओ, मुझे गाड़ी चलाने दो। ले ले शिनचैन तू ही चला, शिनचैन तू पक्का एस्केप तो करवा लेगा ना। एनी पे की मैं टेंशन मत लो। अबे तेरे से गाड़ी तो चल नहीं रही, बोला टेंशन मत लो। गाइस अभी यार शिनचैन गाड़ी चला रहा है और ये बोल रहा है ये एस्केप आराम से करवा देगा, देखते हैं शिनचैन अपने एस्केप करवा पाता है कि नहीं। एनी पे की आपकी गाड़ी तो बहुत ही गंदी है, अगर हमारे पास फरारी होती तो हम कब की एस्केप कर लेते। हां हां तेरे एस्केप करवाने के लिए फरारी लाऊं ना। पर शिनचैन तू टेंशन मत ले, हमारे पास 50 मिलियन डॉलर्स आ चुके हैं तो हम आराम से एक फरारी भी खरीद सकते हैं। एनी पे की 50 मिलियन कहां से मिल गए? शिनचैन मुझे नहीं पता, उस बैंक में इतना सारा गोल्ड और कैश था, मैंने सबका सब लूट लिया और मेरे पास 55 मिलियन डॉलर हो गए। एनी पे की ये तो बहुत ही खतरनाक बात है, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हां शिनचैन हम कुछ भी कर सकते हैं, पर अगर ये पुलिस वालों से बच पाएंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। अबे कहां लेके जा रहा है? एनी पे की टेंशन मत, यहां पे पुलिस वाले नहीं आ पाएंगे। अबे यहां पर तो कोई नहीं आएगा क्योंकि हम पानी के अंदर जा रहे हैं। अबे शिनचैन मुझे मरना नहीं है, मेरे पास 55 मिलियन डॉलर है, मैं 55 मिलियन
डॉलर लेके मरना नहीं चाहता शिनचैन। अरे विकी मैं चलो 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 चलो। अरे काइजर फटाफट से चलते हैं। तो काइजर अभी हमने यहाँ पे गए। अरे ये कौन है? अबे छोड़ पुलिस वाले, अबे पुलिस वाला पागल है क्या? अरे ऐसे कौन गाड़ी चला रहा था? ये कैसे गाड़ी चला रहे? कौन से पुलिस वाले? अरे कैसे पुलिस वाले तो पागल हो गए, ये कैसे ठोक रहे हैं मेरे को? अरे सामने पुलिस वाला रहा, निकल यहाँ से। चलो काइजर अभी अपनी गाड़ी यहाँ से चेंज कर लिए, अब एस्केप करवाना थोड़ा सा इजी हो, क्योंकि काइजर हमारी गाड़ी सही में बहुत ही ज्यादा स्लो थी और ये वाली गाड़ी थोड़ी फास्ट है, तो इससे हम एस्केप करवा सकते हैं। चलो चलो फटाफट से चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, पुलिस वालों से एस्केप करवाना पड़ेगा। काइजर भाई 55 मिलियन डॉलर्स है। काइजर आप सोच रहे हो कि मैं इतना सारा पागल क्यों रहा हूँ? क्योंकि काइजर मैंने आज तक इतने सारे पैसे एक साथ कभी नहीं देखे, 55 मिलियन डॉलर्स। चलो काइजर अभी यहाँ पर पुलिस एस्केप हो चुकी है, फटाफट से घर पे चलते हैं। उन सारे वर्कर्स को हमें पेमेंट करनी है ताकि वो काम शुरू कर सके, हमारे घर को बिल्कुल चमचमाता नया नया घर बना दे। अरे भैया इतने सारे पैसे कहाँ से ले? हमको तो सिर्फ 5 मिलियन चाहिए थे। 5 मिलियन तो हमें अपने घर को ठीक करवाने के लिए चाहिए थे। मैं तुम्हें देने वाला हूँ पूरे के पूरे 50 मिलियन डॉलर्स। मुझे मेरा घर पूरा महल जैसा चाहिए, मेरे पूरे घर को चमका दो, पूरा नया कर दो, हर एक चीज नई होनी चाहिए, नया सोफा, नया पूल, और हाँ मुझे वाटर स्लाइड जरूर चाहिए, मेरा पूरा घर पार्टी हाउस बना दो। सर आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके घर को पूरा चमका देंगे, तो आज रात तक ये काम हो जाएगा। आज रात तक ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। चलो काइजर, तो काइजर अभी हमने इनको 50 मिलियन डॉलर्स दे दिए ताकि हमारे घर को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना पाए, जब तक यहाँ शिनचैन और मैं जाने वाले अपने घर के लिए नई नई गाड़ियाँ खरीदने। तो काइजर 50 मिलियन घर के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो 5 मिलियन गाड़ियों के ऊपर भी तो कर सकते हैं, इसलिए अभी हम जाने वाले अपने घर के लिए नई नई गाड़ियाँ खरीदने। और काइजर मैं लेने वाला हूँ लैम्बोर्गिनी, फरारी, बुगाटी, कोनिसेक और जितनी भी खतरनाक महंगी महंगी गाड़ियाँ होती है वो सारी की सारी खरीदेंगे। बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, हमारे कार्स का कलेक्शन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो गाइजर अभी हम पहुंचने वाले अपने खतरनाक से साइमन दोस्त के पास, जो कि हमारी मदद करने वाला है बहुत सारी गाड़ियां दिलाने में। तो अभी हम आ चुके हैं प्रीमियम डीलक्स मोटरशिप पे। साइमन भाई क्या हाल है? अरे फ्रैंकलिन क्या कर रहा है, मुझे मार क्यों रहा है? और बता तेरी गाड़ी का इंजन फिर से खराब हो गया, अभी इंजन ऑयल देता हूँ, हर बार सस्ता था इंजन ऑयल लेने आ जाता है। अरे रुक जा रुक जा, इस बार मैं सस्ता इंजन ऑयल नहीं लेने आया हूँ, इस बार मैं गाड़ी लेने आया हूँ। अरे तेरी नैनो अभी तक यहाँ पर नहीं आई है, आएगी तो बता दूंगा, चल निकल यहाँ से। अरे साइमन मेरी बात तो सुन, मैं नैनो नहीं खरीदने आया हूँ, मैं खरीदने आया हूँ लैम्बोर्गिनी, फरारी, बुगाटी। अरे फ्रैंकलिन क्यों मजाक कर रहा है यार, सुबह सुबह मुझे मजाक पसंद नहीं है, चल निकल यहाँ से। मेरे पास सारे के सारे पैसे और इनके पास तो खतरनाक खतरनाक गाड़ी है, यहाँ पे देख सकते खतरनाक सी विंटेज रोल्स रॉयस, यहाँ पे ये लैम्बोर्गिनी, फरारी, एक और लैम्बोर्गिनी, और ये खतरनाक सी कोनिसेक, और यहाँ पर बुगाटी भी है। मुझे सारी की सारी गाड़ियाँ चाहिए। साइमन मुझे ये सारी की सारी गाड़ियाँ चाहिए, कितने में देगा? अरे फ्रैंकलिन मजाक मत कर। अरे बताना कितने में देगा? अच्छा तुझे जानना है कितने में दूंगा मैं ये सारी की सारी गाड़ी? 5 मिलियन में दूंगा। है तेरे पास 5 मिलियन? बता। अरे साइमन भाई आप तो बहुत ही अच्छे हो, मेरा बजट भी 5 मिलियन डॉलर्स का था और ये सारी गाड़ियाँ तो मुझे 5 मिलियन में देगा। ओके मैं ये सारी की सारी गाड़ियाँ खरीदूंगा। अरे कैसे खरीदेगा? शिनचैन फटाफट से पेमेंट कर दे। ओके वैकी भी है। अरे ये कैसे हो सकता है, मेरे बैंक में 5 मिलियन डॉलर्स आ गए ये? अरे क्या ये कोई लॉटरी लगी है? मैंने भेजे। क्या फ्रैंकलिन तूने कैसे भेज दिए 5 मिलियन? अरे क्यों मैं नहीं भेज सकता? मुझे लगा था तो बहुत ही गरीब है, पर तूने तो 5 मिलियन भेज दिए। मैं गरीब था पर अब मैं गरीब नहीं रहा। तो गाइजर अभी हमारी पेमेंट हो चुकी है और ये सारी की सारी गाड़ियां हमारी हो चुकी है, और सबसे पहले मैं चलाना चाहता हूँ कोनिसेक। चलो गाइजर फटाफट से इसको चला दे। साइमन एक काम करना, शिनचैन को सारी गाड़ी दे देना, वो मेरे घर पे पहुंचा देगा। शिनचैन काम कर दियो। ओके बेकी भी है। और गाइजर हम जाने वाले हैं खतरनाक सी कोनिसेक को चलाने के लिए, जब तक शिनचैन सारी की सारी गाड़ी हमारे घर पर पहुंचा देगा मैं आराम से इस कोनिसेक को चला के मजे करने वाला हूँ। तो गाइजर ये गाड़ी तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और ऐसी 5 गाड़ियां और हमने खरीद ली है। तो गाइजर आप सबको इनमें से सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी लगती है फटाफट से कमेंट करके बता दो। तो गाइजर अभी साइमन भैया ने सारी की सारी गाड़ियां इस ट्रक में रखवा दी है, और इस ट्रक को मुझे लेके जाना पड़ेगा अपने घर तक। चलो गाइजर फटाफट से ट्रक को लेके चलते हैं, इसमें मेरे खतरनाक खतरनाक सुपर कार से। एक बार हमारा घर बन जाए फिर उसके बाद हम इनको बहुत ही अच्छी तरह रखेंगे, बहुत मजा आएंगे। काइजर हमारे पास तो 5 सुपर कार्स हो गई, और हाँ एक विंटेज कार भी है। तो अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं हो तो लाइक कर दो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।
A few moments later. तो कैसर हमारा टाइम हो चुका है अपना नया नया घर देखने का। तो कैसर मुझे यहाँ से कुछ बहुत ही बड़ा बड़ा दिखा रहा है। पहले हमारा घर कितना सा था, अभी ये यहीं से इतना ज्यादा बड़ा दिख रहा है। सोचो अंदर से कितना ज्यादा खतरनाक होगा। हमारे घर का नंबर है 3671। अगर कभी आना हो तो आ जाना, कोई मना नहीं करेगा। तो कैसर ये था हमारा पहले नॉर्मल वाला गैराज, पर हम नॉर्मल वाला गैराज नहीं देखने वाले क्योंकि मुझे यहाँ से दूर से बड़ा बड़ा गैराज दिख रहा है। चलो कैसर फटाफट से गाड़ी को लेके चलते हैं अंदर अपने नए नए गैराज में। और ये गेट खुल गया और कैसर आप देख सकते हो ये हमारा गैराज कितना ज्यादा बड़ा है। तो कैसर यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियां हैं। ये गाड़ी मैंने खरीदी भी नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर था जिसने ये सारा का सारा काम किया उसने खुद गाड़ियां खरीद के यहाँ पे रखी है। आप देख सकते हो मैंने जो गाड़ियां खरीदी उसमें से एक भी यहाँ पर नहीं है, पर यहाँ पे और खतरनाक कार जरूर है। और यहाँ पे पूरा का पूरा गैराज हमारे लिए बना हुआ है, यहाँ पे अपनी गाड़ियों को ठीक भी कर सकते हैं और यहाँ पे बस सोफा यहाँ पे बैठ सकते हैं। और कैसर यहाँ पे तो पूरा चिल करने का एरिया यहाँ पे बना दिया है और यहाँ से ऊपर नीचे जाने का रास्ता, और यहाँ से मुझे दो दो स्विमिंग पूल दिख रहे हैं। रुको रुको बाद में चलेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं, देखते हैं हमारे ऊपर वाले फ्लोर पर क्या है। फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा गोल्फ खेलने का। आप यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पर गोल्फ खेल सकते हैं, घर के अंदर गोल्फ खेलेंगे बहुत ही मजा आएगा। और यहाँ पे अपनी मस्त मस्त गाड़ियां खड़ी, आप देख सकते हो हमारी लैम्बोर्गिनी, फरारी और ये रही अपनी बुगाटी कोनीसेगा भी अभी वहां पे हमने खड़ी करी है। और कैसर यहाँ से लॉस सैंटोस के व्यू तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। पहले हम सिर्फ एक पेड़ के अलावा कुछ नहीं देख सकते थे, अब हम पूरा का पूरा लॉस सैंटोस देख सकते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और कैसर हमारा खुद का प्राइवेट हेलीकॉप्टर स्टैंड, जो ये पड़ोसी का घर जिसका टूटा था ना, लगता है उसके घर को हड़प लिया है और उसके ऊपर ये हेलीकॉप्टर स्टैंड बना दिया, जो की बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है। चलो कैसर अभी हम यहाँ पे नीचे आ चुके हैं, अब देखते हैं हमारे घर के अंदर क्या क्या हुआ है। और सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहे दो दो बड़े बड़े स्विमिंग पूल। उससे पहले यहाँ पे दो दो कोको कोला की मशीन यहाँ पर लगा दी है, जिधर से हम पी सकते हैं कोल्ड ड्रिंक मस्ती। फटाफट से यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से अपनी कोल्ड ड्रिंक निकल जाएगी, आराम से इसको अपन पी सकते हैं। तो कैसर ये तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना दिया है। आप देख सकते हो दो दो स्विमिंग पूल, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक सेकंड, ये मेरे रूम में क्या है? अरे ये क्या चीज है, ये तो बहुत ही ज्यादा मस्त और क्यूट सा लग रहा है। यहाँ पे एक भी कंडी ना ही उस प्लेन का ना ही पत्थर का। आप देख सकते हो ये हमारा खतरनाक सा पहला स्विमिंग पूल, और यहाँ से जंप करके जा सकते हैं अपने दूसरे स्विमिंग पूल में, ये तो बहुत ही खतरनाक है। एनीवे की मैं आपको कैसा लगा ना मेरा नया घर शिनचैन? मुझे तो बहुत ही खतरनाक लगा। गाइस ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ बैठ के मस्त चिल कर सकते हैं। और आप देख सकते हो हमारा घर कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। पहले ये छोटा सा यहाँ पे घर था, अब ये इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है। पहले सिर्फ ये एक फ्लोर का था, अब ये एक दो तीन चार चार फ्लोर का हो चुका है। हमारे पास 100 से ज्यादा गाड़ियां पार्किंग करने की स्पेस आ चुकी है। और गाइस यहाँ पे पूल वूल टेबल भी, मस्त मस्त गेम वेम खेलने के लिए। मुझे तो बहुत ही ज्यादा मस्त लगा हमारा घर। आपको कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बता दो। और यहाँ पे लगता है कोई सीक्रेट गेट है, अबे खुल जा। हाँ फ्रैंकलिन, ये गेट तुम्हारे लिए नहीं खोलेगा, ये गेट सिर्फ मेरे लिए खुलता है। क्या ये सिर्फ तेरे लिए खुलता है? अबे ऐसे तो ना होता है, मेरे को भी खोलना है। खोलो, आओ चाहे जो कर लो, ये गेट तुम्हारे नहीं खुलेगा, ये मेरे लिए गेट है। अरे कैसर ये भी सही है, चौक के लिए सीक्रेट गेट खुला है, चलो बहुत ही बढ़िया है। कैसर फटाफट से कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको ये घर, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा। हम यहाँ पर हेलीकॉप्टर कभी भी ला सकते हैं, कभी भी यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं, और हमारे पास खुद का प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी है। उन अंकल ने तो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया हमारे घर पे। तो कैसर फटाफट से कमेंट करके बताओ आपको हमारा घर कैसा लगा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा। तो कैसर आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं लगी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और कैसर इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाकर जरूर फॉलो करना। और कैसर हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।